आज अपना टॉपिक है कंपनी के विभिन्न प्रकार। व्यापार जगत में निगमित कंपनियों के अलावा कुछ अन्य संगठन कार्यरत होते हैं, जिसमें साझेदारी फर्म, सहकारी समिति तथा संयुक्त स्कंद समिति आदि मुख्य हैं। इससे पहले अपने को कंपनी में साझेदार में अंतर देखना होगा। कंपनी को वैज्ञानिक दायित्व प्राप्त होने के कारण उसका अस्तित्व उसके सदस्यों से पूर्णतः भिन्न रहता है। साझेदारी फर्म समस्त साझेदारों का स्वामित्व दूर होता है। साझेदार से अलग रहते ही कंपनी का साझेदार से विघटन हो जाता है। दूसरा, कंपनी को अंशधारियों का दायित्व सीमित रहता है। कंपनी द्वारा दिए गए ऋण उनमें से किसी प्रकार का सरोकार नहीं रहता है। फर्म का ऋणदाता उस फर्म के प्रत्येक साझेदार का ऋणदाता होता है। तीसरा, कंपनी को वैधानिक दायित्व प्राप्त होने के कारण वह अपनी संपत्ति का विनियोग स्वयं के नाम से कर सकती है। कंपनी का संपत्ति पर अंशधारियों पर किसी प्रकार का स्वामित्व नहीं होता है। चौथा, अंशधारी सदस्य कंपनी से अनुबंध कर सकते हैं, परंतु साझेदार अपनी कंपनी से किसी प्रकार का अनुबंध नहीं कर सकते। पांचवा, कंपनी का परिसमापन निधि के उपकरण के तहत होता है, परंतु साझेदारी फर्म का साझेदार अन्य साझेदारों की अनुमति के सिवाय अपनी साझेदारी अंतरित नहीं कर सकता है। छठा, कौन है आपका, कंपनी के सदस्य संख्या सीमित नहीं होती है। निजी कंपनी में 50 से अधिक सदस्य हो सकते हैं, परंतु साझेदारी फर्म का साझेदार साझेदारों की अनुमति के सिवाय किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी साझेदारी अंतरित नहीं कर सकता है, ना उसे साझेदार बना सकता है। सातवां पॉइंट है, अंशधारी को कंपनी की संपत्ति का व्यय करने का हक नहीं होता है, लेकिन साझेदार को कंपनी की संपत्ति का व्यय करने का हक होता है। एक साझेदार की मृत्यु या दिवालिया हो जाने मात्र से साझेदारी फर्म समाप्त हो जाती है। अब आता है आपके कंपनियों के विभिन्न प्रकार। सबसे पहला है आपका सम्राज्ञी राजपत्र और निगमित कंपनी। इसको अगर हम इंग्लिश में बोले तो कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड बाय रॉयल कैरेक्टर। इसमें पहला है कि भाई यह जो सम्राट राजपत्र द्वारा निर्मित कंपनी है, यह कंपनी का एक प्राचीन रूप माना गया है। इसकी विशेषता यह थी कि सदस्य ऋणों के लिए दायी नहीं होते थे। इसमें जो अधिकार होते थे वो व्यापक होते थे, और अब ऐसी कंपनी का भारत में कोई अस्तित्व नहीं है। दूसरा है अपना निगमित कंपनी। भारत में इस प्रकार की अनेक कंपनियां हैं, जैसे RBI, SBI, LIC आदि। इन कंपनियों को विशेष अधिकार प्रदान किए जाते हैं। यह कंपनी सीमित दायित्व वाली कंपनी होती है, अतः इनको रजिस्टर्ड कंपनी भी कहते हैं। अगला है कंपनी के सदस्यों के वर्गीकरण के आधार पर। ये दो प्रकार के होते हैं, प्राइवेट कंपनी तथा पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी में अंश के अंतरण पर प्रतिबंध लगा जाता है। इसकी सदस्य संख्या 50 तक होती है। अंश की खरीदी के लिए जनता को आमंत्रित नहीं किया जाता, लेकिन पब्लिक कंपनी ये है कि पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। दूसरे शब्दों में पब्लिक कंपनियां वे कंपनियां होती हैं अपने अंश ऋण या जिन तत्वों की बिक्री हेतु जनता को आमंत्रित करती है, अंशों का अंतरण कर सकती है, और इसकी न्यूनतम सदस्य संख्या 7 है। अब आता है सरकारी कंपनी में कर्मचारियों की क्या स्थिति होती है। सरकारी कंपनी में कर्मचारियों की स्थिति कंपनी अधिनियम की तरह सरकारी कंपनी किसी कंपनी को सरकारी कंपनी कहते हैं जिसमें कम से कम 51% चौथा अंश पूंजी केंद्रीय अथवा राज्य सरकार या आंशिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकार द्वारा धारण की गई हो। वे कंपनियां जो स्वयं किसी सरकार कंपनी के समानुसंघी होती है सरकारी कंपनी कहलाती है। सरकारी कंपनी में कर्मचारियों की क्या स्थिति है। इसका पहला पॉइंट यह है कि इस कंपनी का अस्तित्व निगम की तरह ही होता है। दूसरा, इसका अस्तित्व सरकार से भिन्न होता है। तीसरा,
यदि संपूर्ण पूंजी सरकार द्वारा कंपनी के अंशदान में की गई हो तो कंपनी के कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं माने जाएंगे। इससे संबंधित एक केस भी है, वो केस है स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्सेस कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर। वापस सुन लीजिए, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्सेस कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर। इस वाद में कोर्ट ने कहा था कि सरकारी कंपनी सरकार की अधिवक्ता नहीं है, इसलिए सरकारी सॉरी इसमें कोर्ट ने कहा कि सरकारी कंपनी सरकार की अधिवक्ता नहीं, इसलिए इसके कर्मचारी सिविल सेवा कर्मचारी नहीं माने जाएंगे। अब आता है आपका विदेशी कंपनी। जो कंपनी भारत में ही किसी स्थान पर व्यापार कर रही है विदेशी कंपनी कहलाएगी। इस कंपनी के लिए जरूरी है कि इसका नाम अंग्रेजी भाषा में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। इस कंपनी को हर साल अपनी हालिया लाभ का लेखा जोखा और तुलन पत्र रजिस्ट्रार को भेजना होता है। केंद्र सरकार किसी भी विदेशी कंपनी को छूट दे सकती है। अगर विदेशी कंपनी किसी प्रावधान का उल्लंघन करती है तो उसे 6 माह का कारावास और 500 रुपये जुर्माना दिया जा सकता है। प्रत्येक विदेशी कंपनी वित्तीय वर्ष के समाप्ति के जून से 60 दिन की अवधि में रजिस्ट्रार के पास विवरण पेश करेगी। विदेशी कंपनी का भारतीय अंशधारी कंपनी के रिपोर्ट पर लाभ ला सकता है। एकल व्यक्ति वाली कंपनी। कंपनी विधान के अंतर्गत किसी एक व्यक्ति को भी कंपनी के रूप में सीमित दायित्व सहित व्यापार या व्यवसाय करने की छूट दी गई है। इस प्रकार बनाई गई कंपनी के 700 सदस्य जो सीमा नियम पर हस्ताक्षर करते हैं नाम मात्र के लिए साधारण मूल्य के एक-एक अंश धारण कर सकते हैं। यदि कंपनी का कर्जदार वही मुख्य व्यक्ति है जो इसका वास्तविक निर्माता है तथा अन्य 6 नामधारी सदस्यों द्वारा लिए गए अंशों को छोड़कर शेष समस्त अंश पूंजी वही व्यक्ति स्वयं धारण किए हुए हैं तो ऐसी कंपनी को वैध माना जाएगा। यदि किसी एक व्यक्ति को अकेले ही प्राइवेट कंपनी का निर्माण करना है वह अधिक सुविधा पूर्वक ऐसा कर सकता है क्योंकि उसके लिए न्यूनतम संख्या केवल 2 ही निर्धारित है। परंतु एक व्यक्ति वाली कंपनी के कुछ वैधानिक दोष अवश्य हैं। ऐसी कंपनी को हानि की स्थिति में उसके ऋणदाता को भी हानि होने की संभावना रहती है तथा इसी प्रकार अंशों के परिकल्पित व्यवहार के दोष भी इन कंपनियों के निर्माण से ही उत्पन्न होते हैं। अतः आपका आज का ये टॉपिक खत्म हुआ, अगला टॉपिक ओपन करें।